you're doing well और again मैं मौका फेज 6 टीके से मैं मौजूद हूँ और आज मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी झटपट रेसिपी में हम लोग टेंडर्स शामिल करें। बहुत ही यमी रेसिपी है। तो सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि चिकन की मैरिनेशन हम किस तरह से करेंगे। आप 500 ग्राम्स चिकन लें, उसके स्टेक के पीसेस लें, उसके बाद आपने उसको मैरिनेशन के लिए आप थोड़ा सा ऑयल यानी 1 टेबलस्पून आप ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद आप उसके अंदर चिली सॉस ऐड करेंगे, फिर आप उसके अंदर ड्राइड हर्ब्स ऐड करेंगे, थोड़ा सा विनेगर, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। ये ऐड करने के बाद आप इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। मैरिनेशन करने के बाद आपने इसको कुछ इस तरह से कट करना है। मैंने पहले ही कट कर दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स का टाइम ज़ाया हो। टाइम बहुत कीमती होता है, तो हमने इसको मैरिनेट करके रखा है। और अब हम इसको सबसे पहले तो ये लगा रहे हैं मैदा। मैदा लगाने के बाद हमने यहाँ पर एक एग यूज़ किया है, 1 एग इन द बोल, और साथ हमने उसमें जो चिली सॉस होती है रेड वाली वो हमने इसमें ऐड कर दी है। इसको हम इसके अंदर डिप करेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद कुछ इस तरह से ये लगेगी और इसके साथ इसका और अच्छा सा टेस्ट ऐड हो जाएगा। उसी के साथ हम इस पर क्रम्स ऐड कर देंगे कुछ इस तरह से। अच्छा, अब ये क्रम्स आप वैसे तो बाहर से भी मिल जाते हैं, आप घर पे इन्हें खुद भी बना सकते हैं। आप ब्रेड टोस्ट करके भी क्रम्स बना सकते हैं। आप बगैर टोस्ट किए हुए ब्रेड को भी यूज़ कर सकते हैं और आप उससे क्रम्स भी बना सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा और ये आपके टेंडर्स। हम तमाम टेंडर्स इस तरह से इसको मैरिनेशन करने के बाद उसको ये सारी इसके ऊपर जो भी खूबसूरती लगती है इसको लगाने के बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम इसकी सर्विंग किस तरह से करेंगे। उससे पहले मैं बताती चलूँ कि मैं यहाँ पर खाने के साथ साथ मौका फेज 6 की कॉफ़ी पी रही हूँ जो कि बहुत अच्छी है। कहते हैं कि अगर कॉफ़ी पीने का दिल करे तो पता नहीं घूम घुमा कर जो है ना वो गाड़ी मौका की तरफ चली पड़ती है और दिल करता है कि मौका की कॉफ़ी पी जाए। और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, फ़ायदा उठा रही हूँ इनके किचन का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी कॉफ़ी भी पी जाए। तो मैं कॉफ़ी पीती हूँ, तब तक हम लोग ये तमाम टेंडर्स को प्रिपेयर करके इनको फ्राई करते हैं और फ्राई करने के बाद आई कम बैक टू यू। सो एवरीवन, वी आर हेयर टू प्रिपेयर द प्लेट नाउ। मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि जब भी आपने कोई चीज़ सर्व करनी होती है तो उसकी सर्विंग खूबसूरत हो तो देखने वाले की वैसे ही आधी भूख तो ख़त्म हो जाती है। शेफ सबूर हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं और अपने आर्टिस्टिक स्किल्स के साथ मौका के स्पेशल टेंडर्स सर्व करने के लिए प्लेट रेडी करने जा रहे हैं। तो ज़रा नज़रें यहाँ कर दीजिए। अरे क्या बात है, सिग्नेचर स्टाइल में प्रिपेयर हो चुके हैं हमारी प्लेट और हमारे टेंडर्स भी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। डीप फ्राई हमने उन्हें किया है और गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि किचन में गर्मी होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस खूबसूरती के साथ हमारे शेफ़ साहब ने प्लेट प्रिपेयर की है, इट लुक्स रियली डिलिशियस टिल नाउ। सो अब टेंडर्स रेडी हो चुके हैं और हमने देखना यह है कि ये जिस खूबसूरती के साथ हमारी प्लेट प्रिपेयर हुई थी हम उसमें टेंडर्स किस तरह से सर्व करने जा रहे हैं। वैसे तो देखने में अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आई होप कि हमारे मौका के जो शेफ़ हैं वो इसको और ज़्यादा खूबसूरती के साथ सर्व करेंगे। एंड आई एम अगेन थैंकफुल टू मौका एज आई डेली से, क्योंकि कोई भी अपने किचन में इस तरह से शूट करना भी अलाउ नहीं करता, लेकिन हम अपने व्यूअर्स के साथ बहुत लॉयल हैं। हम चाहते हैं कि अच्छे तरीके से हमारे व्यूअर्स देखें कि एग्जैक्टली कैफ़ेज़ में किस तरह से मेन्यू प्रिपेयर होता है, किस तरह से सर्विंग होती है। तो ये टेंडर्स कुछ इस तरह से सर्व हो रहे हैं। अच्छा, देखने में ये वैसे तो चिकन टेंडर्स हैं बट इट लुक्स लाइक प्रॉन्स एज वेल। तो किसी दिन हम आपके साथ प्रॉन्स की रेसिपी भी शेयर करेंगे। होपफुली सर्दियाँ आ रही हैं और तब तक हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये सर्व हुआ है और ये है इसकी कुछ स्पेशल सी सॉस यानी मौका स्पेशल सॉस के साथ हमने इसको सर्व किया। आप कोई भी सॉस यूज़ कर सकते हैं। इट्स सुपर सुपर ईजी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, यू विल लव इट। अभी के लिए मुझे मौका को शेफ साहब को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है। टेक केयर राबिया एंड एवरी वन देयर। बाय बाय।